आई एम एक्साइटेड. ठीक है, मेरी आवाज इतनी लाउड है. एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तो गाइस आज जो मैं सॉरी कितने से छड्डी मिला शुरू ठीक है देन आपका रिस्पॉन्स चाहिए ये क्या या ओके इंटरेस्टिंग वीडियोस बना फिर ही मिलेंगे तो क्या दोस्तों बोला ना. मैं हूँ आपकी लाज और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आज आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं क्योंकि आज मैंने फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ यूट्यूब के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि आप मुझे यूट्यूब पे भी इतना प्यार दे रहे हैं जितना आप मुझे बाकी सोशल मीडिया पे देते हैं. मेरा वीडियोस बनाने का मकसद क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. मैं सिर्फ अपना लाइफ स्टोरी या अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बोलूँगी. गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैंने सारेगामा पाम में पार्टिसिपेट किया था लास्ट सीजन में 2021 में. तो उसमें जो मेरा कॉन्टेंट था मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो एक साइलेंट गर्ल की दिखाई गई थी. फिर वो ऐसे ही कंटिन्यू रहा. मेरे यूट्यूब पे ये वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लाज बोलती भी है. और यहाँ पे सब कुछ ऑपोजिट होने वाला है क्योंकि ये मेरा खुद का चैनल है लाज ऑफिशियल. मुझे यहाँ पे यही है कि मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊँ, अपना म्यूजिक का जर्नी बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर शेयर करूँ. क्योंकि तो सारेगामा के बाद मुझे लोगों के यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सच में नहीं बोलते, आप बहुत कम बोलते हैं, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप कम बोलते हैं. तो ये सब मैसेजेस मुझे आते रहते हैं. तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि लाज बोलती भी है यार, बहुत बोलती है जब बोलने पे आती है. तो गाइज मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब के लिए, मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ प्लान नहीं किया है कि क्या बोलूँगी कि क्या कहूँगी आप लोगों से. बट इसका मेन वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि यूट्यूब पे एकदम से मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से. तो मेरा मन था कि मैं यू नो मुझे एक एनर्जी एक वाइब आ रहा था अंदर से कि मैं आप लोगों से ऐसे कनेक्ट करूं, बोल के आप लोगों से बात करूं. तो इसीलिए मैंने ये सिलसिला ऐसे शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा. तो गाइज मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोल सकूं और दिल से आप लोगों का शुक्रिया कर सकूं. आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे यहाँ पे इतना सारा प्यार दे रहे हैं और आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि मुझ में और एनर्जी आए और मैं यूट्यूब पे यू नो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रख पाऊँ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका जो प्यार है हम लोग मिल कर ना यूट्यूब पे कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं कि आप लोगों को और मुझे कुछ नया सीखने को मिल सकता है. और मेरी जो लाइफ जर्नी है या जो म्यूज़िकल जर्नी है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. तो मे बी मेरी जर्नी से या मेरी बातों से आप लोग कुछ सीख पाओ या आप लोग जो मुझे रिस्पॉन्स दोगे मैं उससे कुछ और इम्प्रूव कर पाऊँ खुद में. और मेरा मकसद भी यही रहेगा कि मेरी जो यू नो लाइफ जर्नी है वो बता के या मेरी जो म्यूज़िकल जर्नी है उसको मैं बता के आप लोगों को कुछ यू नो अच्छा मैसेज दे पाऊँ या आप लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ. मेरी बस यही कोशिश रहेगी. तो गाइज बहुत बहुत कुछ है बताने को बोलने को. यू नो मुझे अब ऐसा वाइब आ रहा है कि अब मैं बोलना शुरू कर चुकी हूँ और मैं चुप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. तो मेरे जो आसपास के जो सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो इतना मुझे बोलते हैं कि बस अब चुप कर जा मैडम चुप कर जा. तो अभी मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली हूँ मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए. ये वीडियो मैं इतना लंबा नहीं करना चाहती कि कोई देखे ना. मैं इसको शॉर्ट रखूँगी और यू नो क्लियर रखूँगी. तो गाइज आप जल्दी से जल्दी मुझे कॉमेंट्स में बताइए और मुझे मैसेजेस में बता सकते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं. गाइस आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शंस में और मुझे मैसेजेस में बताइए कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियोस बनाऊं, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं या अपने बारे में खुलकर आप लोगों से बात करूं और हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मुझे वेट रहेगी आप लोग के रिस्पॉन्स की, आप लोगों के कॉमेंट्स की और मैसेजेस की. जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाज बोलती भी है और आपको निराश नहीं करूँगी, मैं गाना भी गाऊँगी आपके लिए क्योंकि लाज गाती भी ऑब्वियसली आपको पता है. तो आपके लिए गाना. आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी
जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। सनी धनी रे घरे धनी रे सनी धम धरे मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, अच्छा लगा तो बताना, फिर ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।